ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों को उकसाने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को धारावी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तानी भाव पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक वीडियो के जरिए विरोध प्रदर्शन से पहले छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदुस्तानी भाव पर सोमवार के दिन राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के पास हुए छात्रों के प्रदर्शन में संलिप्त होने का आरोप है। हिंदुस्तानी भाव पर आरोप है कि उसने छात्रों को भड़काया और छात्रों के प्रदर्शन के पीछे हिंदुस्तानी भाव का भी हाथ है। भाव पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील करने का आरोप है। पुलिस ने विकास फाटक को छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के कई इलाकों में सोमवार को 10वीं और 12वीं के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने और ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की थी। आरोप है कि फाटक ने छात्रों को सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उकसाया। इन छात्रों ने मुंबई की धारावी में स्थित राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बंगले का घेराव किया था। ये देखो, ये ताकत है स्टूडेंट्स की। मैं अभी वर्षा दाई गायकवाड़ को निवेदन दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द एग्जाम कैंसिल हो, बच्चों की फीस माफ हो। इसके लिए अभी यहाँ के एसीपी डीसीपी इन्होंने मुझे बोला है कि ये निवेदन हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। भाऊ आप टेंशन मत लो, हम वर्षा दाई गायकवाड़ तक ये निवेदन पहुँचाएंगे। तो वो इन्होंने मेरे को बोला तो है, अभी अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये सोच रहे कि मैं वो नहीं सुनेंगे तो फिर वापस ऐसे ही तादाद में उतरेंगे। देखो ये है, सरकार को बताना चाहता हूँ, ये लोग हैं, ये बच्चे जो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, तो इनको हक की अपनी लड़ाई, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े, और इनको हक की लड़ाई नहीं मिली तो फिर ये होगा। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए छात्र छात्राओं की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए थे। हिंदुस्तान भाव का असली नाम विकास पाठक है। सोशल मीडिया पर फाटक को दुनिया हिंदुस्तानी भाव के नाम से जानती है। फाटक एक यूट्यूबर है और अपने बेबाक और अश्लील बयानों के चलते सुर्खियों पर रहते हैं। इसके अलावा भाव ने बिग बॉस सीजन 13 में भी भाग लिया था। इस सीजन में फाटक के अलावा आसिम रियाज, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला भी काफी चर्चाओं में रहे थे। इस सीजन को सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था। सिद्धार्थ ने हार्ट अटैक के चलते पिछले साल इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। माना जा रहा है कि हिंदुस्तानी भाव ने अपने एक वीडियो के जरिए विरोध प्रदर्शन से पहले छात्रों को सरकार के खिलाफ उकसाया था। आरोप है कि हिंदुस्तानी भाव ने ही छात्रों से स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की आवाज के पास जाकर विरोध जताने और अपनी मांगे रखने को कहा था। हिंदुस्तानी भाव के अलावा और भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं इस मामले पर मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि हम इस पूरे मामले और छात्रों की दिक्कतों पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने छात्रों से कहा है कि मुझसे आकर बात करें, लेकिन हमें स्कूली छात्रों की शिक्षा में 2 साल के नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा।